नाज़रीन अपने प्रोग्राम दी इनसाइड शो काविश में बाबर इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन आज आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारफ की मोहताज नहीं। ये सफ़र जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तय किया, नाज़म के बाद मुसलसल दो बार पंजाब असम्बली के मेंबर हैं और हालिया तौर पर भी ये पंजाब असम्बली के मेंबर हैं। खूबरू शख्सियत और खूबसूरत अखलाक के मालिक, हमारे पे बड़े अच्छे दोस्त, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका तल्लुक है, जनाब मलक वहीद एमपीए। बस हमारे प्रोग्राम का पैटर्न कुछ ऐसे है कि हम आपकी बायोग्राफी अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। तो हम पहले सवाल मेरा ये है कि आपकी जाय पैदाइश कहाँ है? लाहौर है? लाहौर? हाँ, मेरी लाहौर की जाय पैदाइश है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर ही के रहने वाले हैं शुरू से और इधर ही जाय पैदाइश। इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की है? मैं फेडरल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अपना कैंट, यहाँ से मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की और बाद में फिर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वो भी कैंट, और एफ ए मैंने भगवानपुरा कॉलेज से किया और बीए मैंने प्राइवेट किया जी। माशाल्लाह। तो सियासी बैकग्राउंड है आपका कोई? अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद साहब शुरू से मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। उनके ऊपर तकरीबन जब कड़ा वक्त आया था मुस्लिम लीग नून पर तो एफआईआर भी दर्ज थी, तो अपने बाप की तरफ ही देखकर अपना जो है वो मैंने पहली स्पीच जो की थी वो मैटर के फौरी बाद की, और फिर उसके बाद दोस्तों ने नाजम के इलेक्शन में मुझे आगे किया तो फिर मेरी सियासत का आगाज हो गया। उस वक्त जब आप नाजम के इलेक्शन में गए तो उस वक्त तो पार्टी यानी के फेवर होती थी, बस वहाँ उस वक्त टिकट वगैरह नहीं थी होती। हाँ बिल्कुल, मैंने नाजम का जो पहला इलेक्शन लड़ा वो आज़ाद तो था लेकिन अपना हमदर्दियाँ जो थी वो नून लीग की थी, और उसमें जो एक स्लोगन दिया जाता था कि जैसे शरीफ की आदत यानी हमायत याफ्ता, हमायत याफ्ता जो है वो नून लीग की तरफ से ही अपना जो है वो सपोर्ट मुकम्मल मुझे हासिल थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 2005 में मैं पहली मरतबा जब नाजम बना, फिर उसके बाद एमपी के इलेक्शन आए। तो उस वक्त जब 1999 में जब मुशर्रफ साहब ने अपनी काविश करके हुकूमत का तख्त उल्टा दिया था, उन दिनों आपकी स्ट्रगल कैसी थी? जी बिल्कुल, उस वक्त हम मुकम्मल तौर पर पार्टी में इन थे और उस कू के खिलाफ हमने जो एक लड़ाई, आपके पास कोई पार्टी का उद्दा था? जी उस वक्त भी मैं चीफ ऑर्गेनाइजर था सूबाई हल्का पीपी 146 का, फिर बाद में मैं 2003 में मैं प्रेसिडेंट बना सूबाई हल्के का अपना, वो भी मैं 3 मरतबा मैंने हैट्रिक की थी सूबाई हल्के की सदारत के वाले से। अच्छा, जब मियां बरादरन बाहर थे और आप नाजम बने जी, तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो कन्वर्ट कर गए, अपनी पार्टी चेंज कर गए, काफ लीग की मशमूलियत कर ली उन्होंने, कुछ लोगों ने पैसे की लालच से की, कुछ लोगों ने फंड्स की लालच में की, आप पे भी कोई प्रेशर रहा? और नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि मेरे वालदे मोहतरम नून लीग के एक मंझे हुए अपना पॉलिटिशियन माने जाते थे और इलाके में तमाम तर हमारे बुजुर्गों भाइयों का जो सिलसिला था वो नून लीग से शुरू था, तो हम एक मुकम्मल मशावरत के बाद फैसला किया करते हैं, तो उस वक्त हमारा फैसला जो था वो एक ही पार्टी थी जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग। जोर कोई नहीं डाला गया आप पे कि आप पार्टी चेंज करें? मेरे पे किसी ने कोई प्रेशर नहीं डाला बिल्कुल, और ना किसी ने मुझे लालच दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ रहे, उनकी पार्टी के साथ रहे। जब आपको टाउन नाजम के लिए टिकट दी गई यानी पीपल्स पार्टी अलायंस में थी नून लीग के साथ, जी जी, उस वक्त आपको यानी मुतफिका तौर पे उम्मीदवार बनाया गया टाउन नाजम का, तो आप चंद वोटों से आपको शिकस्त हुई, लेकिन जब इलेक्शन होने को जा रहा था तो
बड़ा सिनेरियो फिट हुआ हुआ था कि पॉसिबल है कि मलक भाई साहब जो विन कर जाए टाउन आजम के लिए। तो आप क्या सोचते थे उस वक्त कि मुकाबला तो आपका बड़ा सख्त था, हुकूमत से मुकाबला था। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा सा लेट हो गया उस इलेक्शन में। मुझसे पहले जो टिकट दी गई थी वो हामद सरवर साहब को दी गई थी, जो बाद में पीटीए में चले गए। तो मुझे लास्ट दिनों में टिकट दी गई जब आधी कंपेन हो चुकी थी दूसरे कैंडिडेट्स की। तो मुझे मियां मोहम्मद शवासी साहब ने वाहिद से, चूंकि वो जिला वतन थे, वहां से पार्टी को हदायत जारी करते हुए कि टिकट जो है मलक वहीद को देनी है, मलक वहीद मेरा कैंडिडेट होगा। तो फिर हमने उस दौरान अपनी दौड़ जो है वो पार्टी की हिमायत में लगाई और अजीज भट्टी टाउन का जो इलेक्शन था वो लड़ा। यानी आप समझते हैं कि ये लेट होने की वजह से आपका इलेक्शन जो है ना वो उसपे शिकस्त जी हुआ हाँ, है। 7 वोटों से मैं हरा था वो, और मैं समझता हूँ वो मेरी हार नहीं थी, वो भी मेरी जीत थी। बल्कि मेरे कायद ने बाहर से मुझे मुबारकबाद भी दी थी कि ये आप हारे नहीं आप जीते हैं, क्योंकि पंजाब मशीनरी जो थी वो तमाम तर हमारे अगेंस्ट लगी हुई थी और वोटों की भदरबांट जो खरीदने की थी वो लगी हुई थी। और मैं ये समझता हूँ कि इतने रश में और फिर काफली का पूरा उस वक्त जुबन था, तो इसके बावजूद चंद वोटों से हारना वो हमारी जीत थी। जब मियाँ साहब जिला वतन थे, आपने पार्टी के लिए बड़ी काविश की, पार्टी की अहम मीटिंग्स में, आप अहम इजलास में और स्ट्राइक्स में और जितनी भी जद्दोजहद थी उसमें आप शाना बशाना पार्टी के साथ रहे। लेकिन जब पार्टी के इलेक्शन 2007 में, 2008 में जो बाद में हुए थे, उसमें आपको टिकट नहीं मिली तो आपको मलाल तो होगा। जी बिल्कुल, अपना बात यह है कि मुझे ना टिकट मिलने वाली बात नहीं है। उस वक्त भी टिकट मुझे अनाउंस हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से मैं बीए नहीं था, तो ग्रेजुएशन ना होने की वजह से अपना जो है वो, चूंकि टिकट मेरे नाम से जारी भी हुआ था, मैं मेरी तरफ से बात रही, मेरी क्यादत की तरफ से कोई नहीं रही। मैं उस वक्त अच्छा भी अपनी क्यादत का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ही वादे पड़ती रही टिकट के लिए, लेकिन मजबूरी थी, मैं बीए नहीं था, मैंने बीए बाद में किया। जी ठीक। तो वही साहब वो कठिन मरहला था आपके लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि इतनी मेहनत की हुई हो और भागदौड़ पार्टी के लिए की हुई हो, और जब मौका आए और अपना जो है वो ग्रेजुएशन से अपना जो है वो बाद रह जाए, तो एक मेरे ऊपर तो वो बहुत कड़ा वक्त था। लेकिन मैं यहाँ पर अपने कायद मियां मोहम्मद शिवाशी साहब का यहाँ पर जिक्र जरूर करना चाहता हूँ, और मैं जिस तरीके से उन्होंने मुझे बाद में बुलाया अपने घर पे, और घर पे बुलाकर मुझसे वादा किया कि मलिक वहीद मैं आपको ब्लाइज करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, तो आप यकीन जानिए कि कायदे मोहतरम ने वो वादा पूरा भी किया और मुझे ब्लाइज भी किया। और यहाँ पे सिटिंग एमपी को हटाकर उन्होंने मुझे टिकट दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम भी उस टिकट पर मंत्री होकर अपनी पार्टी की शाना बशाना काम करते रहे। जी मिसाल साल 2 बार एमपीशिप, कैसा फील करते हैं आप एमपीए होना, इकतदार में रहना? एक दफा इकतदार में हुकूमत भी आपकी थी, सेंट्रल में भी, पंजाब में भी, इस बार अपोजिशन में हैं आप। देखिए जब मैं आप हुकूमत में थे उस वक्त और इस वक्त में डिफरेंस तो होगा ना? बात ये कि जब इक्तदार में थे तो चूंकि मनसब मिलना पार्टी लेवल पर बहुत आसान है, क्योंकि ये वोट जो हैं वो कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाशी साहब की इमानत है, तो लोगों ने 2013 में भरपूर अपना मेरा साथ दिया और मुझे अपना काफी लंबी लीड के साथ मुझे जितवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कंधों पर वजन महसूस किया मैंने कि मुझे अल्लाह तआला ने अगर इज्जत दी है तो मैं अपना अल्लाह की मखलूक की खिदमत करूं। तो मैंने अपना पूरा टनोर जो है वो लोगों की खिदमत में लगाया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे बहुत हल्का लाहौर में था कि जिसमें मेरे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अपना काउंसलर्स और अहले मोहल्ला के लोग जो थे वो मुझसे मुतमिन थे, और इसीलिए उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और दोबारा कायदीन की अपना जो है वो मिन्नत समाजत करके मुझे दोबारा टिकट के काबिल बनाया। मैं ये समझता हूँ कि मेरे साथी, मेरे सर का ताज है जो वर्कर हैं मुस्लिम लीग नून के और कमिटेड है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शिवाशी साहब के साथ,
और मैं यहाँ पर एक और जिक्र करता चलूं कि अपना मियां हमजा शहबाज साहब जो हैं, मेरी पॉलिटिक्स में उनका बड़ा अमल दखल है, चूंकि 2013 में भी वो मेरे वेल विशर थे और अब जबकि टिकट का वक्त आया था तो बड़ा कड़ा वक्त था मेरे ऊपर, लेकिन मैं मियां हमजा शहबाज साहब का यहाँ पर खसूसी तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेहरबानी फरमाई और दूसरी बार मुझे टिकट दिया। अभी अपोजिशन में आप हैं, अभी लाहौर में आप MPA हैं और लाहौर शहर का भी हाल, पहले कराची की मिसालें दी जाती थी गंदगी के हवाले से, अब लाहौर शहर की मिसालें भी गंदगी के हवाले से आ गई हैं, तो आप क्या फील करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अपना इक्तदार जो है वो नाअहलों के हाथों में है, नलायकों के हाथों में है, और बिल्कुल वो जो कंटेनर पर चढ़ के इशराफिया की पगड़ियां उछाली गई थी और इस पाकिस्तान की दौलत दीवारों को हलाने की जो नापाक जसारत भी की थी, पूरी कौम ने देखा कि जैसे पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा करना और फिर हल्ला गुल्ला और फिर डंडा सोटा और वहां पर जिस तरह हाईजैक किया हुआ था कैपिटल ऑफ पाकिस्तान को, तो बड़ी शर्मनाक वहां पर गुफ्तगु भी हुई, लेकिन इसके बावजूद अवाम ने इमरान खान साहब को इत्तला दिया। लेकिन मैं आज ये समझता हूँ कि उन्हें शर्म करनी चाहिए कि जिस तरह अवाम ने उन पर एतमाद किया, उनके कंटेनर पर उस बॉल के ऊपर जो वो सबज बाग दिखाते रहे, एक डुगडुगी भी हाथ में पकड़कर एक मदारी की तरह तमाशा लगाकर उन्होंने कौम को मायूस किया। अब ये आलम है कि कराची तो कूड़ा करकट से गंदा नजर आता है। मैं ये समझता हूँ कि आप भी यहाँ के रहशी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, मैं ये समझता हूँ आप खुद भी गवाह हैं कि अब वही कूड़ा करकट लाहौर की गलियों सड़कों बाजारों में नजर आता है। और बिल्कुल जो थिंक टैंक थे इनके, क्योंकि ये इनका इनकी जो पार्टी की सूरत हाल है वो कुछ पीपल्स पार्टी से भागे हुए लोग हैं, कुछ नून लीग से भागे हुए हैं, कुछ काफ लीग के लोग हैं, और एक चू चू का मरबा जो है वो अली बाबा और 40 चोरों की सूरत में उनके इर्द गिर्द मंडला रहा है। ये चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि वो दरअसल अगर चीफ वजीर आजम साहब कहते हैं कि वो मेरा इल्जामुल हक है, मैं कह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ अगर हम निगाह दुराएं तो चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहा, बल्कि वो PM जो है इमरान खान साहब, वही PM है, वही CM है, और PM की हदायत के ऊपर उस्मान बुजार साहब अपना डिलीवर करने की जो कोशिश करते हैं, चूंकि ऊपर भी नलायक है तो नलायक एक नलायक बंदे की जो जस्तजू होगी, जो हदायत होंगी, तो वो नीचे भी अगर वो काम करने की सूरत में अगर कुछ स्ट्रगल करेंगी तो जब ऊपर फेल होगा तो फिर नीचे भी फेल होगा। अच्छा, ये सफाइयों के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अब गौर व फिक्र खत्म हो गया? मैं कह रहा हूँ महंगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी किस्म की कोई अपना मूवमेंट आपको नजर नहीं आती, कोई तरक्याती काम, कोई प्रोजेक्ट जो 1.5 साल का अर्सा हो चुका है इस पार्टी को, और इस पार्टी ने जितने वादे लोगों के साथ किए, वो नौकरियों के वादे, वो घर देने के वादे, फिर अपना जो है करप्शन खत्म करने के वादे, अब आपके कैमरे के तवसल से ही मैं बात यहाँ पर करना चाहता हूँ कि करप्शन खत्म नहीं हुई, बल्कि करप्शन तो कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई खत्म नहीं हुई, महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, और आप ये देखेंगे कि लोग जो इस वक्त अपना जो है वो शोरगुल के साथ और एहतजाज के साथ, ये बेरोजगारी, महंगाई और ये बिजली के बिल बढ़ गए, गैस की बंदिश, बिल में इजाफा, लोग आपसे तो सवाल करते होंगे। बिल्कुल जी, सवाल करते हैं, हम उनकी आवाज बनकर असेंबली में बात करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिस जगह पर पाकिस्तान खड़ा है, इंडिया की अफवाज जो है वो पाकिस्तानी सरहदों पर अपना खड़ी है, और मैं ये कहता हूँ कि हमें होश के नाखून लेने चाहिए और पाकिस्तान की तमीर तरक्की, पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए हमेशा हमने आगे बढ़कर हुकूमत को दावत दी है, लेकिन हुकूमत एक ही रेट लगाई हुई है, जो मियां मोहम्मद नवाशी फोबिया जो है उसको हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग की मुखालफत में पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो तमाम तर लोटों को इकट्ठा करके जो चू चू के मरबे की मैं बात करता हूँ, उनको साथ में लाकर अपना मियां नवाज शरीफ और उनके तमाम तर जितने वफादार साथी हैं उनके
خلاف انتقامی کیسز بنا کر وہ پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، نہ کہ پاکستان کو سلجھا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2019 کا جو سال گزرا ہے وہ کن کاروائیوں میں گزرا ہے؟ میں تو پنجابی میں یہی کہوں گا کہ وہ جیسے ایک مثال بنی ہے کہ میری آنیاں جانیاں ویکھو میرے پلے کچھ نہیں، ہاں جی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں جتنا لوگوں نے ٹرسٹ کیا تھا عمران خان صاحب کے اوپر، تو 10% بھی کامیابی نہیں ہوئی، اور قوم کو جو دھوکہ دیا، قوم کے ساتھ جو فراڈ کیا انہوں نے، اور ایک ٹولہ جو تھا جو چند گماشتے تھے جو ہر پارٹی سے رد کیے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس کے جمع ہوئے اور پورے پاکستان کا تماشا لگایا انہوں نے، وہ چاہے ٹیکسیز کی صورت میں آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے مہم ٹیکس کی چلائی، آج ایک تاجر، ایک مزدور، آج انڈسٹری ہماری، آج جتنی بھی ہماری اکانومی ہے وہ زیر زمین جو ہے وہ جا چکی ہے، اور پھر گھبرانا نہیں، صبر کرو، گھبرانا نہیں۔ تو میں یہ بات اس پر ہی ختم کروں گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اتنی بات کرو جتنا تم اس کا کل کو وزن اٹھا لو، اور جس شاخ پر بیٹھ کر اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ انتقامی کارنیوں کی صورت میں اس کو کاٹنا شروع کیا، آج ہم گر رہے ہیں، کل انشاءاللہ وہ بھی گرے گا۔ ناظرین، ملک صاحب کے ساتھ بات جو چلتی رہے گی، آپ کہیں مت جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ سبسکرائب ناؤ اینڈ پریس دا بیل آئیکن، نیور مس این اپڈیٹ۔ اسٹوڈیو 99 پروڈکشن ہاؤس۔